हेलो गाइस, तो आपको जो ये सामने साइकिल दिख रही है वो मेरी न्यू साइकिल है, जो कि है स्कॉल की न्यू टीम प्लस। ये लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है 3-4 दिन पहले, तो आपको कहीं पे गूगल पे नहीं दिखेगी। ये देखिए, ये कलर भी बहुत अच्छा है। अभी ये प्लास्टिक नहीं निकाला है क्योंकि नई साइकिल है बिल्कुल। आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। इधर ये बॉटल होल्डर है। ये मड फ्लैप, पीछे का मड फ्लैप, रेडियम, आगे भी रेडियम मिलेगा। तो ये देखिए, ये मॉडल है न्यू टीम प्लस। टायर्स में भी रिफ्लेक्टर मिलेगा। ये सारी एसेसरीज गाइस आपको साइकिल में नहीं मिलती, ये लगा के दिए। जैसे ये साइकिल में ये जो रिफ्लेक्टर है वो, फिर ये ऊपर की ये जो मड फ्लैप है वो, आगे का रिफ्लेक्टर, पैंडल्स, ये जो पार्ट है गाइज ये आपको मिलता है, लेकिन ये वाला प्लास्टिक का पार्ट नहीं मिलता है। फिर ये बॉटल होल्डर आपको मिलता है, फिर ये मड फ्लैप भी नहीं मिलता है आपको, पीछे का रिफ्लेक्टर भी नहीं मिलता, ये स्टैंड आपको मिलता है गाइज। पीछे भी टायर्स में रिफ्लेक्टर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ये बेल भी नहीं मिलती। तो इसके जो टायर्स है गाइज वो बहुत अच्छे हैं, थोड़े गंदे हैं, वो मैंने चलाई है साइकिल इसलिए, लेकिन ये जो टायर्स है वो नायलॉन है गाइज। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप हवा भरोगे साइकिल में तो वो 1-2 महीने तक आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो टायर्स होते हैं ट्यूब वाले, मतलब ये ट्यूब वाला ही लेकिन ये नायलॉन टायर है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये स्कॉल जर्मन ब्रांड है। यहाँ पे देखिए जर्मन का फ्लैग भी है, यहाँ पे ये स्कॉल का लोगो है। और गाइस स्कॉल की जो सबसे अच्छी बात है साइकिल में वो है इसके सस्पेंशन, बहुत ही अच्छे सस्पेंशन है। आप कहीं पे भी खड्डे में चलाओगे तो जर्क नहीं आएगा साइकिल में। ये लियोन कंपनी के सस्पेंशन है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए लियोन लिखा हुआ है। यहाँ पे भी स्कॉल लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी साइकिल है, अगर आपको लेनी है तो आप ये लीजिए। ये 27.5 साइज की है MTB। तो ये देखिए गाइस इधर लिखा हुआ 27.5 MTB बाइक। तो ये 13-17 ईयर किड के लिए प्रॉपर है। अगर आप बोलोगे कि ये सीट तो बहुत नीचे है तो मैं आपको दिखा, तो यहाँ पर देखिए गाइस ये जो है इसको आप खोलेंगे तो ये सीट ऊपर आ जाती है, ये देखिए, और ये आप लॉक भी कर सकते हैं। ये लॉक हो गया, ये देखिए ये सीट ऊपर आ गई। देखिए तो विदाउट गियर साइकिल है ये, मैंने गियर वाले नहीं ली क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बहुत आता है। गियर बदलते हैं तो फिर उसमें बार बार चेन उतर जाती है, तो ऑयल वाले हाथ बहुत होते हैं, इसलिए विदाउट गियर साइकिल लिए। ये बहुत अच्छी साइकिल है गाइस। और गाइस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप ये साइकिल परचेस करें तो इसमें ये जो चेन है उसमें आप यूज़ किया हुआ ऑयल ना डालें, इसमें फ्रेश ऑयल डालें बिल्कुल न्यू वाला। और गाइस इसके ये जो टायर्स है वो नायलॉन है, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ नायलॉन लिखा हुआ है।
इसकी जो टायर की साइज़ है वो भी थोड़ी बड़ी है, तो इसमें पंचर होने के चांसेस बहुत कम है गाइस, जो नॉर्मल टायर होते हैं उससे। और डिस्क ब्रेक में गाइस फ़ायदा क्या है कि वो जो पावर ब्रेक होती है उससे वो अलग होती है, और जो पावर ब्रेक होती है वो आपको इधर मिलती है, उसमें जो उसका रबर होता है वो यहाँ पे ये रिंग को टच करता है तो फ्री नहीं घूमता है टायर। इसमें डिस्क ब्रेक में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी साइकिल में डिस्क ब्रेक में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइस ये जो साइकिल है वो मैंने परचेस किए एक ऑथोराइज डीलर से, अहमदाबाद में ही है, और जो साइकिल की प्राइस है वो है 14,000 रुपीज़। काफ़ी अच्छी साइकिल है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनकी सारी डिटेल्स दे दूँगा। गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।